दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रंजीत पांडे और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जानकारी सबके लिए के यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने पिछली सभी वीडियोस में बात की सरफेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन के बारे में, किस तरह से सरफेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, उन मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम कम्प्लीटली एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता क्या है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के कितने टाइप्स के होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है किसी का भी कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता क्या है, वॉट इज अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। सो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कैन बी डिफाइंड एज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम्स और एनी अदर स्ट्रक्चर वेयर द फाउंडेशन पार्ट इज मोस्ट लाइकली टू लाई अंडर वाटर। सो वी हैव टू ऑप्ट फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन को हम अंडरवाटर कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जहां पे किसी भी सुपर स्ट्रक्चर का फाउंडेशन पार्ट जो होता है वो पानी के अंदर दबा रहता है, उसको हम अंडरवाटर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। अंडरवाटर कंस्ट्रक्शन उन एरियाज में और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जहां की हमें डेप्थ का ज्यादा अंदाजा नहीं होता है या डेप्थ ज्यादा डीप होती है। एक्टिविटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं अंडरवाटर कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहली है पावर जनरेशन। जो भी हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं या मोस्टली जो भी पावर जनरेटेड प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली अंडर वाटर ही रहते हैं, क्योंकि वाटर के थ्रू ही एनर्जी कन्वर्ट की जाती है। द सेकेंड वन इज ब्रिजेस। ब्रिजेस को भी पानी के ऊपर ही बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फाउंडेशन पानी में ही रहेगी। द नेक्स्ट वन इज वाटर यूटिलिटीज, पानी की सुविधाएं जो भी होती हैं उसके भी कई चीज अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही कंप्लीट की जाती हैं। जैसे कि बोरवेल ही आप ले लो, बोरवेल में भी आप नॉर्मल एसएस के पाइप्स या सीपीवीसी की पाइप्स, सीपीवीसी तो बहुत रेयरली यूज होती हैं कुछ केसेस में, बट एसएस की पाइप्स आपको जमीन के नीचे पानी में डालनी पड़ती हैं। देन शिप हस्बेंड्री, पोर्ट्स के आसपास जो शिप्स का काम होता है दैट इज परफॉर्म्ड अंडर वाटर। देन कुछ एक्टिविटीज आती हैं इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की भी, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन भी जो अंडर वाटर की जाती हैं, जैसे कि माइनिंग हो गई आपकी, पाइपलाइंस बिछाना हो गया पानी के अंदर। जैसे कि रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि अंडमान निकोबार में ऑप्टिकल फाइबर केबल लॉन्च की गई है, जिसमें कि जिसके थ्रू अंडमान निकोबार में इंटरनेट की सुविधा पहले से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये केबल नेटवर्क भी अंडर वाटर ही पास किया गया है, तो उसमें भी वो भी एक अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। आफ्टर दैट पावर एंड गैस ट्रांसमिशन, जो भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट करते हैं पावर का, गैस का, वो भी कई बार अंडर वाटर ही हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि रोड सरफेस कई केसेस में फिजिबल नहीं होती हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, मोस्टली जो भी टेक्निक्स हम सरफेस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं अबव द सरफेस, वो सारी टेक्निक्स हमारी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाती हैं, ठीक है। उसमें कोई नई टेक्निक्स, ज़्यादा नए लॉस की जरूरत नहीं पड़ती है, और कई स्पेसिफिक मटेरियल और प्रोडक्ट्स भी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के पर्पस से ही डेवलप किए जाते हैं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक तो वेट कंस्ट्रक्शन और एक ड्राई कंस्ट्रक्शन। वेट कंस्ट्रक्शन के केस में
एक डाइवर होता है, द डाइवर इवेल्युएट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द वर्क, जो भी काम होगा पानी के अंदर उसकी पूरी कॉस्टिंग वो एस्टिमेट करके बताता है, कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में, वो टाइम भी डाइवर कैलकुलेट करता है। कौन कौन से इक्विपमेंट अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में उस पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ में आएंगे वो भी डाइवर बताता है। द कैपेबिलिटी ऑफ अ डाइवर टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क, मतलब किसी भी एक डाइवर की क्या कैपेबिलिटीज़ रहेंगी उस एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में, वो भी एक डाइवर स्पेसिफाई कर देता है। बेसिकली इस केस में डाइवर एक सर्वेयर का काम करता है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के केस में। जैसे लैंड कंस्ट्रक्शन के केस में आपका सर्वेयर होता है कि काम स्टार्ट करने से पहले जाता है, पूरे कंस्ट्रक्शन एरिया का सर्वे करता है, सारी चीज़ें स्पेसिफाई करता है, एग्जैक्टली काम डाइवर परफॉर्म करता है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के केस में। यह सेकेंड टेक्निक आती है ड्राई कंस्ट्रक्शन। ड्राई कंस्ट्रक्शन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक कैशियन एक कॉफर डैम। अब कैशियन क्या होता है और कॉफर डैम क्या होता है? कैशियन एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, अ लार्ज हॉलो स्ट्रक्चर दैट सन डाउन थ्रू द अर्थ, अर्थ सरफेस के नीचे पानी में ये लार्ज हॉलो स्ट्रक्चर प्लेस किया जाता है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज पियर्स, बिल्डिंग कॉलम्स, डैम्स, रिपेयर ऑफ शिप्स एक्सेट्रास एक्सेट्रास। किस काम में यूज होता है? ब्रिज की पियर्स बनाने में, कॉलम्स बनाने में, डैम्स बनाने में, शिप्स की रिपेयरिंग के लिए ये स्ट्रक्चर कैशियन यूज होता है। कीप्स वर्किंग एनवायरनमेंट ड्राई, इसका काम क्या होता है? जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उसको सूखा रखना, काम करने लायक फिजिबल रखना। कैशियन होता कैसा है, कैसा दिखता है कैशियन, ये आप एक थियोरेटिकल मैप देख सकते हो। एक प्रॉपर मशीनरीज, एक प्रॉपर चैनल बनाया गया है, दिस इज नॉर्मल सरफेस, देन वाटर स्टार्ट्स एंड देन लास्ट में मड। तो इसको पार्ट करके, पार्टीशन करके एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया गया है और इसके बीच में आप वर्किंग एरिया ड्राई रखा गया है जिससे कि पानी एंटर ना कर सके। सेम एज बड़ी नदी में या शिप में, ऐसा आपने ऐसी इमेजेस देखी होंगी कुछ केसेस में जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, उनके पियर बनाने के लिए यूज़ होते हैं ऐसे कैशियन प्रोजेक्ट्स। फिर एक ये भी है ऑयल्स में या नेचुरल गैस की माइनिंग में ऐसे कैशियन फॉर्मवर्क्स डेवलप की जाती हैं। इनकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं? सबसे पहली तो ये बहुत इकोनॉमिक होता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, बार बार आपको नए नए फॉर्मवर्क इस्टेब्लिश नहीं करने पड़ेंगे। एक बार आपने परमानेंट स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर दिया, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट क्लीन और ड्राई रहेगा। द सेकेंड वन, स्लाइटली लेस नॉइज एंड रिड्यूस्ड वाइब्रेशन, ज़्यादा इसमें आवाज़ नहीं आती है और वाइब्रेशंस भी बहुत हल्के फुल्के होते हैं। इजिली अडाप्टेबल टू वेरिंग साइट कंडीशन, मतलब एक साइड से अगर आप दूसरी साइड पे मूव कर रहे हैं तो आप प्रॉपर स्ट्रक्चर आप उसको लिफ्ट कीजिए एंड द अदर साइड पे उसको प्लेस कर दीजिए। इसमें कोई इफेक्ट टेम्परेचर वेरिएशंस कुछ खास होती नहीं है। हाई एक्सेल एंड लेटर लोडिंग कैपेसिटी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ पे रिवर्स में, सी के केसेस में, माइनिंग के केसेस में आप अगर कैशियन को इंसर्ट कर रहे हो पानी के अंदर सरफेस पे, तो वेव्स जो होती हैं सीज की या बड़ी रिवर्स की, दैट जनरेट्स वेरी हाई एक्सेल लोड। तो ये इतना मजबूत होता है कि उन लोड्स को इजीली हैंडल कर सकता है। नाउ द सेकेंड वन इज कॉफर डैम। कॉफर डैम क्या होता है? ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, अलाउ इनक्लोज्ड स्पेस टू बी पम्प्ड आउट क्रिएटिंग ड्राई एनवायरनमेंट, बहुत छोटे स्पेस पे काम करता है। इनक्लोज्ड कॉफर आर कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ ऑयल प्लेटफॉर्म्स, ब्रिज पियर्स एंड अदर सपोर्ट स्ट्रक्चर बिल्ड विद इन और ओवर वाटर, मतलब
जो पियर्स ब्रिजेस जो कॉलम्स बनाने के लिए कैशन यूज होता था उनकी रिपेयरिंग के लिए हम कॉफर डैम यूज करते हैं. अ कॉफर डैम इन्वॉल्व्स इन द इंटरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर सॉइल एंड वाटर. लोड इम्पोज्ड इंक्लूड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ वाटर एज वेल एज द डायनेमिक फोर्स ड्यू टू करंट एंड वेव्स. ये भी उन्हीं सारी प्लेटफॉर्म्स को बियर कर सकता है, उन सारे लोड्स को बियर कर सकता है, बट एट सम लिमिटेड प्लेटफॉर्म. यूज्ड फॉर सेलो कंस्ट्रक्शन हैविंग डेप्थ लेस देन 10 मीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ज़्यादा डेप्थ में काम नहीं आ सकता है. ये सिर्फ अप टू 10 मीटर डेप्थ तक के लिए ही कॉफर डैम को हम यूज कर सकते हैं. बट कैसेन के केसेस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. नाउ कॉफर डैम कैसे दिखते हैं, दीज आर सम बेसिक रूल्स. ये तो नॉर्मल साइट्स पे भी कई पोर्शन में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा. ये भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पे नॉर्मली जो कैनाल के साइड में काम चल रहा होता है, ब्रिजेस जो बन रहे होते हैं इनिशियल फेजेस में, उसको पानी को ऐसे डाइवर्ट कर दिया जाता है कॉफर डैम बना के. बेसिकली ये ड्रम्स यू होते हैं या स्टील प्लेट्स होते हैं, इनको बना के बाउंड्री टाइप क्रिएट कर दी जाती है पानी के आसपास साइट को ड्राई रखने के लिए. कॉफर डैम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है. कॉन्ट्रैक्टर्स हैव डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है बेसिकली. स्टील शीट पाइल आर इजिली इंस्टॉल्ड एंड रिमूव्ड. जो भी स्टील की शीट्स होती हैं पानी को डाइवर्ट करने के लिए, वो आराम से काम होने के बाद निकाल ली जाती हैं और फिर दोबारा दूसरी जगह पर इंस्टॉल कर दी जाती हैं. मटेरियल्स टिपिकली रीयूज्ड ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, जो कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज हो जाते हैं मैट. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के केस में, प्लेसिंग कॉन्क्रीट अंडर वाटर. कॉन्क्रीट हम पानी में कैसे डालते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कॉन्क्रीट में ऑलरेडी पानी मिला होता है. अगर पानी एक्सेस हो जाएगा तो कॉन्क्रीट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. तो किस हिसाब से हम कॉन्क्रीटिंग करें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कि हमारे स्ट्रक्चर प्रॉपरली सेफ रहे, तो इस चीज़ को करने के लिए हम बेसिकली ट्राइम मेथड यूज़ करते हैं. ट्राइम मेथड क्या होता है? ट्रमाई इज अ वाटर टाइट पाइप. ये एक तरह की पाइप होती है जो कि वाटर टाइट होती है. जैसे कि सरफेस कंस्ट्रक्शन के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि जब RMC से कास्टिंग करनी होती है हमें, तो बूम पाइप आता है. उस बूम पाइप के थ्रू हम दूर दूर तक किसी भी पोर्शन में अपनी साइट कंक्रीटिंग आराम से कर लेते हैं. सो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के केस में दिस ट्रिमी पाइप आती है. इस जनरली इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 250 mm, कैपेबल ऑफ ईजी कपलिंग फॉर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लेंथ. मतलब इसकी लेंथ आराम से घटाई या बढ़ाई जाती है क्योंकि अलग अलग इसके पार्ट्स आते हैं. फनल शेप्ड हॉपर एंड इट्स अपर एंड एंड अ लूज प्लग एट द बॉटम. एक फनल के शेप का हॉपर होता है जिसमें कंक्रीट डाला जाता है और देन पाइप्स के थ्रू आपके स्ट्रक्चर तक कंक्रीट पहुंचता है. द कंक्रीट हैविंग वेरी हाई स्लम ऑफ अबाउट 15 to 20 cm इज पोर्ड इन टू द फनल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्रीटिंग के अंडर वाटर कंक्रीटिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है कि कंक्रीट का जो स्लम्प है दैट शुड बी 15 to 20 cm, मतलब 150 से 200 mm स्लम्प होना चाहिए, तभी वो कंक्रीट आराम से आपके ट्रिमी पाइप के थ्रू मूव कर पाएगा. अब ये काम कैसे करता है? तो ट्रिमी पाइप जो होती है दैट इज लिफ्टेड अप एंड स्लाइड जर्क इज गिवन सो दैट द कंक्रीट गेट्स डिस्चार्ज्ड. मतलब ऊपर नीचे इस पाइप को जर्क के थ्रू करना होता है जिससे कि कंक्रीट किसी एक पोर्शन में सेटल ना हो और वो कंप्लीटली मूव करता रहे. अगेन कंक्रीट इज पोर्ड ओवर द फनल, द पाइप इज स्लाइटली लिफ्टेड एंड एम्ड गिवन द सेम पोर्शन आपको रेगुलरली मूव करानी पड़ती है. इन दिस वे कंक्रीट वर्क इज प्रोग्रेस्ड विदाउट स्टॉपिंग टिल द कंक्रीट लेवल कम्स अबव द वाटर लेवल. जिस पोर्शन पे आपको कंक्रीटिंग करनी है तब तक आप इस जर्क और लिफ्ट साइड जर्क को आपको परफॉर्म करना पड़ता है. इस एक्टिविटी को देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ ट्रिमी पाइप्स हैं. जैसे कि ये है हॉपर है आपका, देन ये पाइप मूव हुई है, ये कॉलम है इसमें पाइप डाली जा रही है. जैसे ये है आपकी ट्रिमी पाइप जिसके थ्रू कंक्रीटिंग होती जा रही है. जितना पोर्शन आपका कंप्लीट होता जाता है देन पाइप धीरे धीरे बाहर निकाल ली जाती है. तो इन द लास्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, नॉलेजफुल लगी, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर पॉसिबल हो
तो आगे इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।